नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दुर्गांश जोशी आपका स्वागत करता हूं मैडम शॉर्ट्स में। इसमें हम लेकर आते हैं दिनभर के स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप थ्री खबरें, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली खबर आ रही है एनएस चक्रा की तरफ से। पिछले साल अक्टूबर 2017 में यह खबर उड़ी थी कि उसके सोनार डोम को कुछ दिक्कत हुई है, उसके एक्सीडेंट हुआ है और वह विशाखापट्टनम पोर्ट पे अभी खड़ी हुई है। इसके लिए रशियन से संपर्क किया गया, तो रशियन ने डिमांड किया है $20 मिलियन की, यानी कि जिसको कह सकते हैं आप 125 करोड़ रुपए की, क्योंकि इसको रशिया ने बनाया हुआ है और रशिया से हमने 10 सालों की लीज पर लिया हुआ है, तो रशियन ही इसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने 125 करोड़ रुपए मांगे हैं को सही करने के लिए। इसमें 5 फीट बाय 5 फीट का सोनार पैनल जो रिप्लेस करना है वो रशिया के द्वारा बनाया जाएगा, रशिया में उनकी फैसिलिटी में, और वो यहां पर लाया जाएगा, उसके बाद इसको चेंज किया जाएगा, उसके बाद ही आईएनएस चक्रा सेल करने के काबिल हो पाएगा। तो बैठा बैठा आईएनएस चक्रा में 125 करोड़ रुपए का खर्चा बैठ गया है। यदि यही सबमरीन हमारे इंडिया की होती तो जल्दी जल्दी इसका रिपेयरिंग भी हो पाता और इससे आधे दाम पे इसकी रिपेयरिंग हो जाती। दोस्तों कुछ दिनों पहले खबरों में मैंने आपको बताया था कि कल्याणी ग्रुप अल्ट्रा लाइट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन पर काम कर रही है और यह 155mm 39 कैलिबर की होने वाली है। तो इसके परीक्षण को लेकर खबर निकल कर सामने आई है कि मई जून में इसका परीक्षण हो सकता है और यह गन अमेरिका द्वारा जो हम M777 अल्ट्रा लाइट हर्टाइजर गन खरीद रहे हैं उसका बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट होने वाला है। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम 145 गन इस प्रकार की खरीद रहे हैं $750 मिलियन में, और जब ये कल्याणी ग्रुप की गन पास हो जाएगी आर्मी के परीक्षण में तो हमें उस प्रकार की गन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इंडिजिनस एक रिप्लेसमेंट बन जाएगा M777 गन का। कल्याणी ग्रुप ने जो गन बनाई है इसके फ्रेम को हल्का करने के लिए उसने अमेरिका की मेंडस ग्रुप से सहयोग किया हुआ है और टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का एक एलॉय बनाया है जो कि बहुत ही हल्का है, जिससे यह गन बहुत ही ज्यादा हल्की हो जाती है। अगली खबर हमारी ओमान की तरफ से आ रही है। ये कयास जो लगाए जा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री जब वहां की यात्रा करेंगे तो वहां के एक पोर्ट का इस्तेमाल मिलिट्री कर सके, इस पर एक कॉन्ट्रैक्ट वहां पर साइन होगा, तो उसी क्षेत्र से खबर निकल कर आ रही है कि इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। इससे पहले जो ओमान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो मैरिटाइम कॉर्पोरेशन का था, यानी कि कोस्ट गार्ड आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे जो कि 2005 से ही साइन हुआ है। इसको रिन्यू किया गया था 2016 में, पर इसमें कुछ और पन्ने जोड़ दिए गए हैं। अब हमारी मिलिट्री उस पोर्ट का इस्तेमाल कर पाएगी जिसका नाम है दिकुम पोर्ट, और हमारे जो नेवल वेसल हैं उनको वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा, जो हमारा मिलिट्री प्रोडक्शन वहां पे कुछ फैसिलिटी बनाना है तो वो भी बना सकती है, यानी कि उस पोर्ट का हम इस्तेमाल अपनी तीनों सेना के अंग के लिए कर सकते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र में जो चाइना का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है उसको रोकने में थोड़ी सी भारत को सहूलियत अब हो पाएगी। इससे पहले सितंबर 2017 में भी भारत ने अपना अटैक सबमरीन दिकुम पोर्ट पर भेजा था। इसके अलावा एक आईएनएस मुंबई शिप भी भेजा था और इसके अलावा P-8I एयरक्राफ्ट भी भेजा था जिसको सबमरीन हंटर भी कहा जाता है, इसकी संख्या 2 थी। तो कुछ इसी प्रकार से वहां पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई थी, मतलब उस पोर्ट की सिक्योरिटी भारत अपने हाथों में लेने लगा था और अब जाके कॉन्ट्रैक्ट भी इसका साइन हो चुका है। दोस्तों तीन खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं और यह बोनस खबर हमारी मालदीव की तरफ से आ रही है। वहां के भूतपूर्व प्रेसिडेंट नसीद ने कुछ और यामीन सरकार पर एलिगेशन लगाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि चाइना के लगभग 1.5 से 2 बिलियन तक का कर्जा मालदीव पर है और चाइना ने लगभग 16 आइलैंड्स पे उसके अधिकार कर लिया है, इनडायरेक्टली अधिकार कर लिया है, और जो मालदीव सरकार पे पूरा कर्जा है उसमें चाइना का लगभग 80% शेयर है। उन्होंने चाइना के इस कैप्चरिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चरिंग से तुलना की है और कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भारत पे कैप्चर था 19वीं सदी में उससे ज्यादा कैप्चर चाइना का मालदीव में हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं और आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान इससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। नमस्कार, थैंक यू।